हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट का मतलब GTA के रेफरेंस में। सर, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में क्या कोई अमेंडमेंट आया है? बिल्कुल आया है। जो कन्फ्यूज़न है उनको हम हटाने की कोशिश करेंगे। अब तक हम लोग ये जानते थे कि GTA में नॉर्मली लोग RCM में ही जाएंगे, मीन्स द सर्विस रिसिपियंट फ्रॉम GTA वुड बी लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। हाँ, GTA जो सर्विस प्रोवाइडर था एक फैक्ट्री को, एक रजिस्टर्ड पर्सन को, एक ट्रस्ट को, एक NGOs को, वो कंपनी को, LLP को, पार्टनरशिप को, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, दैट इज़ ओके विद राइट नाउ ऑल्सो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम थी कि जो पेमेंट एक GTA को करनी चाहिए थी वो हम कर रहे थे। छोटे छोटे बंदे जो अनरजिस्टर्ड होना चाहते थे बट ड्यू टू हैविंग द GTA इश्यूज दे वे गेटिंग रजिस्टर्ड। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स को दूर किया गया है और GTA को RCM में लाने का पर्पस भी यही था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, GTA वॉज फुल्ली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और उसमें टैक्स इवेजन के बहुत सारे केसेस आते थे और चलते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों नहीं इस पर रोक लगाई जाए, तो उन्होंने RCM बेसिस पर काम अपना स्टार्ट किया। लेकिन RCM बेसिस इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन, बाद में समझ में आया ना, अगर हम फॉरवर्ड बेसिस पर भी करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। तो गवर्नमेंट ने कहा था RCM अगर बेसिस पर सर्विस रिसिपियंट दे रहा है तो वो 5% के हिसाब से टैक्स चार्ज करेगा और टैक्स क्रेडिट ले लेगा, यानी ITC ले लेगा। हाँ, है ना, कुछ यही था। लेकिन अब सिस्टम क्या किया गया, 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइडर, हम केवल GTA की बात कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर और ये सर्विस रिसीवर, हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइडर आपका GTA हो क्या सकता, बात ही उसी की कर रहे हैं, और सर्विस रिसिपिएंट या तो रजिस्टर्ड होगा, और सर्विस रिसिपिएंट या तो रजिस्टर्ड होगा। अरे अच्छा, अगर हम बात करें GTA की और उसने किसी रजिस्टर्ड बंदे को सामान सर्विसेज दी और सर्विस रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो 5% के हिसाब से RCM लग सकता है, 12% के हिसाब से फॉरवर्ड मैकेनिज्म या जिसको हम नॉर्मल सिस्टम कहते हैं वो एप्लीकेबल हो सकता है। हाँ या ना? बिल्कुल सर, या तो सर्विस रिसिपिएंट 5% के हिसाब से RCM का पेमेंट करेगा और जो टैक्स पेयर होगा एक्चुअल में वो ITC ले लेगा। यस सर, बिल्कुल सही बात है। जो टैक्स पेयर होगा, जो एक्चुअल में अगर सर्विस रिसिपिएंट टैक्स दे रहा है RCM बेसिस पर, तो ITC सर्विस रिसिपिएंट को मिल जाएगा, और अगर फॉरवर्ड बेसिस पर GTA ही टैक्स पे कर रहा है 12%, जो अब नया अमेंडमेंट है फॉरवर्ड मैकेनिज्म पर या नॉर्मल सिस्टम पर, तो उसे ITC मिल जाएगा। हो सकता है कि GTA ने अनरजिस्टर्ड को सामान बेचा, सर्विसेज दी, या GTA ने अनरजिस्टर्ड को सर्विसेज दी। हाँ या ना? तो 5% RCM बेसिस पर पेमेंट करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? RCM नहीं सर, 5% फॉरवर्ड सिस्टम पे टैक्स चार्ज करना पड़े, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, कुछ है ही नहीं, ना कंपनी है ना कुछ है, तो वहां पर ये फॉरवर्ड सिस्टम पर आएगा। 5% GTA पेमेंट करेगा लेकिन इसकी ITC अवेलेबल नहीं होगी, ओके? लेकिन अगर GTA 12% के हिसाब से पेमेंट करे तो उसको इसकी ITC अवेलेबल हो जाएगी।
ये भी तो हो सकता है अनरजिस्टर्ड जीटीए किसी रजिस्टर्ड एसएससी को सर्विसेज दे। पहले इतना नोट कर लें तो हम इसको हटाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। दो पॉइंट और हैं इसमें, हो गया होगा। अच्छा सर, अब अगर अनरजिस्टर्ड जीटीए की बात करें और रजिस्टर्ड सर्विस रिसीवर की बात करें, तो सर इसका क्या मतलब? अभी तक जो आप बात कर रहे थे वो रजिस्टर्ड की बात कर रहे थे, बिल्कुल हम उसी की बात कर रहे थे। अगर हम अनरजिस्टर्ड जीटीए टू रजिस्टर्ड सर्विस रिसिपिएंट की बात करें तो आरसीएम तो लग जाएगा और आईटीसी भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि सर्विस रिसिपिएंट अगर आरसीएम बेसिस पर कोई भी टैक्स का पेमेंट करेगा तो उसको उसकी टैक्स क्रेडिट मिलनी ही मिलनी है। तो ये चीजें बिल्कुल आप याद रखेंगे। हाँ बस अब दो रेट हो गए, 5% एंड 12%। पहले केवल 5% आरसीएम बेसिस पर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चलें जी सर, कुछ सर्विसेज हैं जीटीए की जो एग्जेम्प्ट की गई हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, या फिर हो सकता है रिलीफ मटेरियल हो गया, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए जी, ये चीज़ें बिल्कुल माफ की ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल एग्जेम्प्टेड हैं, इन पर कोई सर्विस चार्ज यानी कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक आपको मालूम है 1500 रुपये वाला और 750, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। फिलहाल इन पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, रिलीफ मटेरियल हो, मिलिट्री डिफेंस आइटम्स हो, ऑर्गेनिक मैन्योर हो, सॉल्ट हो, मिल्क हो, इन पर कोई भी फूड ग्रेन्स हो, इन पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दोज थिंग्स आर एग्जेम्प्टेड आउट फ्रॉम द जीएसटी, नहीं जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, नो। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बताना जरूरी था, ध्यान रखेंगे आगे से। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।